हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस 11th क्लास स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, यही चैप्टर चल रहा था अपना, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए हैं, आंसर्स भी लिखे हैं, ठीक है। बट ये जो आपसे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको 10 एग्जांपल्स दिए थे, बट अभी तक मैंने जो देखा है उसमें से ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के आंसर आए हुए हैं और व्यूज बहुत सारे हैं। तो बेटा प्लीज जो भी बच्चे देख रहे हैं मेरे, उनसे बहुत रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, बेटा तुम लोग सिर्फ उस वीडियो को देख के उसको बंद करके मत रखो, वरना तुम्हें IUPAC बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो प्लीज जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप उनको सॉल्व करो, ठीक है। और सॉल्व करके आप उनको देखो कि हाँ हमें IUPAC समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। देखो आज नोट्स वगैरह भी मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, आप चेक करना, आपको मिल जाए तो, ना मिले तो बताना, ठीक है, आपके ऐप पे सेंड कर दिए हैं। सेकंड थिंग, नोट्स के अंदर अगर आपको लगता है कि कुछ और एग्जांपल्स आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स आ रहे हैं, थोड़े टफ एग्जांपल्स आ रहे हैं, तो अगर आपको समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आते कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक फेस टू फेस जब आप स्टडी करते हैं या जब आपको क्लास में वो चीज बताई जाएगी, सारी चीजें दोबारा पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुछ आप कहीं किसी और बुक में इनसे रिलेटेड कोई एग्जांपल्स देखते हो, वो टफ आ जाए, या आपके नोट्स में जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो कुछ अलग पैटर्न के, कुछ डिफिकल्ट पैटर्न के आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप बेसिक पढ़ लो, अगर आप अभी आपको इतना भी आ जाता है समझ में तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर। उसके बाद में एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल और हाई क्वालिटी के एग्जाम्पल्स या डिफिकल्ट एग्जाम्पल अपन बाद में सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, अब तुम लोग थोड़ी और प्रैक्टिस करो, ठीक है। और सारे बच्चे, चलो जिन्होंने कमेंट नहीं भी किया होगा, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी कॉपी में वो एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करके रखे होंगे, तो चलो अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। और उसके बाद में हम नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप हमारे बच गए हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्लियर। तो वन बाय वन हम चलते हैं सेकंड फर्स्ट कंपाउंड से। यस, फर्स्ट कौन सा कंपाउंड है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले ये कार्बन कंटेनिंग है, तो यहाँ इसको इंक्लूड करते हुए कार्बन चेन बनेगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। क्या लिखेंगे? 2-methyl-3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेनोइक एसिड, ओके। इसका नेम क्या हो गया? 2-methyl-propanoic एसिड, क्लियर। चलो सेकंड देखो, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज सल्फोनिक एसिड, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो हम कार्बन चेन में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कार्बन चेन कितने कार्बन की बन रही है? 2 कार्बन की। इथेन, देन सफिक्स ऑफ सल्फोनिक एसिड इज सल्फोनिक एसिड, तो इसका नेम हो गया इथेन सल्फोनिक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट इज एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखो एनहाइड्राइड के केस में मैंने आपको बताया था कि एनहाइड्राइड 2 टाइप्स की उसकी नेमिंग हो सकती है, ठीक है। अगर इस तरफ दोनों तरफ ग्रुप सेम होते, इससे पहले एक एग्जांपल दिया था उसमें मैंने सेम ग्रुप वाला एग्जांपल दिया था आपको, अब डिफरेंट वाला है, तो जब डिफरेंट होता है तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर जो पहले आएगा उसको हम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ सी के पास CH3 है, यहाँ देखो कितने कार्बन की चेन बन रही है? 2 कार्बन की, मीन्स इसको हम बोलेंगे इथेनोइक। और यहाँ कितने कार्बन की चेन बन रही है? 3 कार्बन की, इसको हम बोलेंगे प्रोपेनोइक, क्लियर। इथेनोइक स्टार्ट विद ई एंड प्रोपेनोइक विद पी, सो ई और पी में से सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कौन पहले आता है, ही आता है पहले, ठीक है। चलो तो देखो क्या लिखेंगे हम इसको, इथेनोइक देन प्रोपेनोइक देन एंड
नेक्स्ट इज एस्टर. ओके, और एस्टर में कैसी नेमिंग करते हैं? एस्टर में हम नेमिंग करते हैं ऑक्सीजन के पास में जो आर ग्रुप होता है उसको अल्काइल बोलते हैं ना. तो ये कितना कार्बन है? वन. तो हम इसको बोलेंगे मिथाइल. ओके, फिर इधर वाले में कितने कार्बन एटम है? टू. तो क्या होगा? इथेन. लास्ट में क्या सफिक्स यूज होगा? ओए. तो ये हो गया मिथाइल इथेनोएट. क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ. फिफ्थ इज एसिड हैलाइड. ओके, यहां से स्टार्ट करेंगे हम. वन टू थ्री, कितने कार्बन की चेन बनी बेटा? थ्री कार्बन की. थ्री के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोपेन. ओके, प्लस इसका सफिक्स क्या होता है? ओ वाई एल, ऑयल. देन सी एल, क्लोराइड है ना. तो क्या लिखेंगे हम इसको? प्रोपेनॉइल क्लोराइड. क्या नेम हो गया इसका? प्रोपेनॉइल क्लोराइड. क्लियर? चलो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड. ओके, अमाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? टू कार्बन एटम्स की चेन है. तो हम इसको लिखेंगे इथेन प्लस अमाइड. तो ये हो गया इथेनामाइड. क्लियर? साइनाइड इज सी, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, इसको हम इंक्लूड करेंगे. नंबर यहां से स्टार्ट करेंगे. वन टू थ्री फोर. सब्स्टिट्यूएंट ऑन विच पोजीशन? थर्ड पोजीशन. सो वी राइट थ्री मिथाइल. देन फोर कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन. सीएल का सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइड. तो हमने लिख दिया ब्यूटेन नाइट्राइड. क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज आइसोसाइनाइड. ओके, एंड आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है NC, मींस नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन चेन. सो नाइट्रोजन मींस कार्बन कंटेनिंग फंक्शन. कंटेनिंग है, कभी कभी आप सोचोगे कंटेनिंग कैसे है, कार्बन तो है इसमें बट नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, कितने कार्बन की चेन हो गई? वन टू थ्री फोर. ठीक है, यहां से स्टार्ट किया तो वन टू थ्री, और यहां से स्टार्ट किया तो वन एंड टू. सेकेंड पोजिशन इज मोर कन्वीनियंट फॉर अस. ठीक है, तो यहां वन टू थ्री फोर, कितने कार्बन की चेन होगी बेटा? फोर कार्बन की. फोर के लिए हम क्या यूज करेंगे? ब्यूटेन. देन इसका सफिक्स क्या होता है? आइसो नाइट्राइड. कौन सी पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन पे. क्या लिखेंगे? ब्यूटेन टू आइसो नाइट्राइड. क्लियर है? कितने फंक्शनल ग्रुप्स हो गए? एट. ठीक है, यस. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड. ठीक है, एल्डिहाइड टू कार्बन कंटेनिंग है. कितने कार्बन की चेन बनी बेटा? फोर. वन टू थ्री फोर. ठीक है, अब फोर कार्बन की चेन है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन. एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होता है? अल. क्या लिखेंगे? ब्यूटेनल. क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखना. ठीक है, और जिस बच्चे ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किए थे ये सारे जो बताए थे, और लास्ट में टेंथ में उसने लिखा था डाउट. ठीक है, उस बच्चे के लिए खासकर वो बच्चा थोड़ा और ध्यान से देखे. अगर डाउट है बेटा आपको तो आप इसको ध्यान से देखना, इसका नेम क्या होगा. क्लियर? और प्लीज इस तरह के आपके रिएक्शंस जो है उससे मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चों को किसी चीज में डाउट आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है. तो इसलिए सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कुछ एक्टिव रहा करो. ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि हाँ सॉरी कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई करने में. ठीक है, चलो देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा? यहाँ पे कीटोन. कीटोन फंक्शनल ग्रुप है. कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होगा? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन चेन हम देखते हैं. कार्बन चेन कितने की होगी?
वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन की चेन हो गई। अब देखो तुम्हें डाउट अगर आप भी नहीं होगी किसी बच्चे को, तो वो आ रही होगी कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें या सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करें। तो देखो इस बात को हमेशा गांठ बांध लो, इसको एकदम माइंड में इसकी फोटो क्लिक कर लो, एकदम सेट कर लो कि हमें प्रेफरेंस किसको देनी है, हमें प्रेफरेंस देनी है फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, अपने लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, चलो देखो अगर फंक्शनल ग्रुप अपने लिए इंपॉर्टेंट है तो नंबरिंग हम इस साइड से ही करेंगे। ठीक है, और अब देखो लेकिन लिखते पहले किसको है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे। क्या लिखा हमने, फोर मिथाइल। ठीक है, कार्बन चेन कितने की है, फाइव कार्बन की। हमने यहां मेंशन कर दिया पेंटेन। ठीक है, देन ओन, सफिक्स क्या होता है कीटोन का, ओन। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे पेंटेन टू ओ। क्लियर, एक बार सारे बच्चे, ठीक है, जो भी एग्जांपल्स आपको दिए थे उनको चेक कर लो कितने एग्जांपल्स राइट हैं, कितने रॉन्ग हैं। ओके, देख लो कि आउट ऑफ 10 आप कितने मार्क्स कैरी करते हो इसमें से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर किसी का रॉन्ग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और राइट है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके चलो, अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उनकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखो, कीटोन तक हो गए हैं अपना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप नंबर 11, दैट इज अल्कोहल। चलो अब हम बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। और वैसे अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, चलो हमने कितने फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन कर लिया बेटा, हम पढ़ चुके हैं 10 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ओके चलो रिवाइज कर लेते हैं, सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड सल्फोनिक एसिड, थर्ड एसिड एनहाइड्राइड, फोर्थ एस्टर, फिफ्थ एसिड हैलाइड, सिक्स अमाइड, सेवेंथ साइनाइड, एट आइसोसाइनाइड, नाइन एल्डिहाइड, टेन कीटोन। क्लियर है सब बच्चों को, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो। और अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज मुझे बताओ कहाँ डाउट है। ओके चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है अपना, 11th नंबर का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्कोहल। ओके, और ये आपका पढ़ा हुआ भी होगा, अल्कोहल क्या होता है, इसका फॉर्मूला ओ एच। क्लियर, चले ओ एच। अब बात आती है ओ एच के बाद में कि इसका सफिक्स क्या है। ठीक है, तो इसका सफिक्स होता है ओ एल, ओल। क्या सफिक्स होता है इसका, ओ एल, ओल। तो देखो क्या होगा स्ट्रक्चर, CH3, CH2, CH2, OH। ठीक है, अब देखो आपको OH दिख रहा है, OH मतलब इसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, और कार्बन नहीं है इट मींस, वेरी गुड, सब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कार्बन नहीं है मतलब कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, हम इसको कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। कार्बन चेन जो सिलेक्ट करेंगे वो विदाउट फंक्शनल ग्रुप के करेंगे। तो देखो हमने जो कार्बन चेन सिलेक्ट की है वो कितने कार्बन की हुई है, थ्री कार्बन की। ओके, थ्री कार्बन के लिए, अच्छा इसका फॉर्मूला तो लिख लेते हैं। देखो कार्बन चेन के लिए हम क्या लिखेंगे, एल्के प्लस, सफिक्स क्या है, ओल, ई ओ, दोनों वॉवल है ना, तो क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका नेम, एल्के नोल। क्लियर, तो यहाँ इसका नेम हो गया एल्के नोल। अब अपन इसका नेम देखते हैं, कितने कार्बन एटम्स है, थ्री,
चलो अब हम टू एग्जाम्पल्स देते हैं, CH3, CH2, 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 CH2. चलो फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये है, मेरे बताने से पहले पहले सॉल्व हो जाने चाहिए सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है. और नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CH3, 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 CH2, CH2 and OH. चलो करो फटाफट फटाफट पॉज करो वीडियो को और आंसर लिखो और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या आंसर आएगा इसका. चलो लिख लिया, चलो देखते हैं हम क्या होगा इसका नेमिंग. फर्स्ट में सबसे पहले क्या देखेंगे हम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने कार्बन की चेन होगी, 7 कार्बन. वेरी गुड, कितने कार्बन की चेन हुई, 7 कार्बन की, ठीक है. अब उसके बाद में OH, OH को क्या करना होगा बेटा, नंबर देना होगा. नंबर देना है तो नीचे से स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5 ओके. ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 यहाँ कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है. यहाँ आ रहा है फिफ्थ पोजीशन पे, सिंपल सी बात है, थर्ड पोजीशन वाला ही लिखेंगे हम. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन कार्बन की चेन है, इसलिए हमने क्या यूज किया, हेप्टेन. ओल कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, तो हमने क्या लिखा, हेप्टेन 3-ol, ठीक है. और मुझे पता है 99.99 बच्चों का सही होगा, वेरी गुड, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो तुम लोग. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, 1, 2, 3, 4 कितने कार्बन की चेन बनी बेटा, 4 कार्बन की. अब देखो तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, किस चीज से कंफ्यूज हो सकते हो, इन सब्स्टिट्यूएंट से कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि सब्स्टिट्यूएंट है तो अपन इधर से स्टार्ट करते हैं. बट हमें क्या ध्यान रखना है कि अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है. तो हम फंक्शनल ग्रुप से भी स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे. कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. कौन से हैं, मिथाइल. दोनों कैसे हैं, सेम. क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई. वेरी गुड, देखो 3-3 कितने मिथाइल हैं, 2, तो डाई मिथाइल. देन कार्बन चेन कितने की है, 4. OH कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे. क्या लिखा, ब्यूटेनॉल. क्या हो गया इसका नेम, 3-3-dimethylbutanol. ओके चलो, तो अब इसके अपन ने अल्कोहल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखिए, ठीक है. अब नेक्स्ट चलते हैं अपन जो अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उसकी तरफ, ठीक है. अल्कोहल कौन से नंबर का था बेटा, अल्कोहल था अपना 11th नंबर का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है. और अब हम देखेंगे 12th नंबर का जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज थायो अल्कोहल. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, थायो अल्कोहल, ठीक है. थायो वर्ड जो होता है ना बेटा, वो हम यूज करते हैं सल्फर के लिए, ध्यान रखना. आगे भी कहीं पे थायो वर्ड अगर यूज आए ना, तो वो किसके लिए होता है, सल्फर के लिए होता है, ठीक है. तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थायो अल्कोहल की. थायो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, SH, ओके. और इस SH का सफिक्स क्या होता है, THIOL, ठीक है. अल्कोहल और इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है, वहां क्या था, OH, ठीक है. और यहाँ क्या होगा, SH. वहां क्या था, ओल. इसका सफिक्स क्या है, थायोल, ठीक है. ये भी कैसा है, कार्बन कंटेनिंग नहीं है, विदाउट कार्बन है. वो भी कैसा था, विदाउट कार्बन ही था, क्लियर है. चलो तो हम देखते हैं इसकी कैसे होगी नेमिंग, क्या लिखेंगे, एल्केन प्लस थायोल, ठीक है.
यहाँ पे ई ड्रॉप नहीं होगा बिकॉज वहां पे हमने एंड किया था ओल, ठीक है, और ओल जो था उसमें ओ इज वॉवल, ई इज ऑल्सो वॉवल, तो हमने ई को ड्रॉप कर दिया था, ठीक है, बट यहाँ पे ई है और यहाँ पे टी है एंड टी इज कॉन्सोनेंट, तो यहाँ अपन ये तो पता है ना कॉन्सोनेंट और वॉवल के बारे में, हाँ वेरी गुड, तो ई को हम ड्रॉप नहीं करेंगे, क्लियर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू एंड एस एच, ठीक है। चलो देखते हैं कार्बन चेन कितने कार्बन की बनी, थ्री कार्बन की, एल के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ए, एस एच है तो सफिक्स थायो, क्या नहीं हो गया इसका, प्रोपेन थायो, क्लियर है सब बच्चों को, चले आगे। चलो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करने के लिए दे रही हूं, करो इन एग्जाम्पल्स को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है अपना उसके बारे में, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दे रही हूं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, चलो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, फटाफट इनको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो। चले कर लिया एग्जाम्पल, चलो देखें इसको क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले में सबसे पहले तो अपन कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे जो अपन करते हैं, करो वन टू थ्री फोर फाइव, कितने कार्बन की चेन बनी, फाइव कार्बन की, ये मैंने टेढ़ा मेढ़ा लिया ना, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये चीज ध्यान रखना, जैसे ऐसे आके यू चली गई है तो कंटिन्यूस कार्बन चेन भी ना, ठीक है। अब देखो एस एच वन टू थ्री फोर कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे, वन टू सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है, कौन सा सेकेंड वाला अपने लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, कितने कार्बन की चेन है, फाइव की, क्या लिखेंगे, पेंटेन, एस एच कौन सी पोजीशन पे है, टू पे, क्या लिखेंगे, पेंटेन टू थायोल, क्लियर। चलो नीचे वाले को देखते हैं, अब हम पहले तो कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, तो देखो वन टू थ्री फोर, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, अब देखो कुछ बच्चों के याद होगा कि जब हमें एस एच को कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही नहीं है तो हम ये फाइव कार्बन वाली तो चेन भी तो ले सकते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका, ध्यान से सुन लो सब बच्चे, यस वेरी गुड, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो आप उसको कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करोगे, बट सुनना ध्यान से, लेकिन अगर वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वो कार्बन इंक्लूड होना चाहिए, समझ आई बात, मीन्स इस कार्बन को तो आपको कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा, अगर आपने ये वाली चेन बनाई तो इसमें ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हमें इंक्लूड करना ही होगा। चलो आप नंबरिंग यही से करेंगे, वन टू थ्री फोर, अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताइए, इसमें थ्री टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वन है मिथाइल, नेक्स्ट है क्लोरो, नेक्स्ट है इथाइल, मीन्स कितने सब्स्टिट्यूएंट हुए, थ्री सब्स्टिट्यूएंट हुए, कौन कौन, क्लोरो, मिथाइल, इथाइल, तो पहले कौन आएगा, सी आएगा पहले, कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, थ्री क्लोरो, ठीक है, ए बी सी डी ई, टू पे फिर इथाइल, फिर थ्री पे मिथाइल, देन कार्बन चेन कितने की है, फोर कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, एंड देन थायोल कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे थायोल, क्लियर। तो ये आपके आज हमने कितने फंक्शनल ग्रुप की स्टडी की बेटा, टू फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अल्कोहल एंड थायोल का, ओके, आज कुछ एग्जांपल्स नहीं दे रही हूं, मस्ती करो, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल असाइनमेंट वगैरह नहीं दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम और जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उनको मिला के फिर सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनके
एग्जाम्पल्स करेंगे ओके, बट इनके फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करना ओके। थैंक यू।